बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में सुष्मिता सेन अपनी दोनों बेटियों के साथ धनुष के पॉपुलर सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी पर डांस करती हुई दिखाई दे रही है। सुष्मिता सेन का ये वीडियो काफी पुराना है, जिसमें उनकी दोनों बेटियां अलीसा और रिनी काफी छोटी छोटी नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सुष्मिता सेन अपनी छोटी बेटी को धनुष के फेमस गाने कोलावेरी डी पर डांस कराने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ वह भी खुद डांस कर रही हैं और बड़ी बेटी रिनी भी साथ में थिरकती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि सुष्मिता सेन हाल के दिनों में रोमल सॉल के ब्रेकअप को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। सुष्मिता सेन ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी फैंस को दी थी। सुष्मिता सेन सिंगल पेरेंट हैं और दो बेटियों को पाल रही हैं। सुष्मिता सेन ने जब रेनी को गोद लिया था तब वो 25 साल की ही थी। सुष्मिता सेन ने पहली बेटी को साल 2000 में और अलीसी को साल 2010 में गोद लिया था। हालांकि सुष्मिता सेन ने अपनी बेटियों से बात छिपाई नहीं है और खेल खेल में समझाया कि वे एडॉप्टेड है, बायोलॉजिकल नहीं। ये बात उन्होंने इसीलिए भी बताई ताकि उनका दिल कभी भी ना टूटे। सुष्मिता की अपने बच्चों के साथ शानदार बॉन्डिंग है, जिसकी झलकी अक्सर वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। How are you people doing? Good? Don't miss our filter of stars and we're like brimming with shine and glitter. How are we doing? Oh, hi, hello to Nepal, everyone there. We were just about to call it a night. We've had a home and lovely. weekend, and now we're going to be calling it a night and starting Monday tomorrow. So we wanted to just say hi and wish you a very very happy week ahead. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।